मामला बरेली के थाना विशारतगंज के ग्राम जलाल नगर का है। यहाँ के रहने वाले मुश्ताक हुसैन पुत्र मुबारक हुसैन ने बताया कि उसका खाता कोटक महिंद्रा बैंक में है। उसके खाते की फोन बैंकिंग काम नहीं कर रही थी, जिसके चलते 23 मई को उसने कोटक महिंद्रा के टोल फ्री नंबर पर कॉल की हुई, परंतु 5 मिनट बाद ही उसके नंबर पर फोन आया, जिसने खुद को बैंक का कर्मचारी बताया। फोन पर व्यक्ति ने बताया कि आपकी फोन बैंकिंग काम नहीं कर रही है, उसको चालू करने के लिए एक लिंक भेज रहे हैं। उस लिंक पर जब प्रार्थी ने क्लिक किया तब एक ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा गया। ऐप डाउनलोड करते ही कुछ ही समय बाद उसके खाते से 50,000 रुपए कट गए। जब इसकी शिकायत की गई तो फोन करने वाले व्यक्ति ने दूसरा लिंक भेजा और उसको क्लिक करने के लिए कहा, जिससे कि पैसा वापस आ जाएगा, परंतु प्रार्थी को धोखाधड़ी का आभास होने के कारण उसने लिंक को क्लिक नहीं किया। पीड़ित ने वरिष्ठ अधीक्षक के समक्ष पेश होकर धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज की और न्याय दिलाने की मांग की है। मैं फोन बैंकिंग चलाना चाह रहा था तो पैसे ट्रांसफर करने थे, तो फोन बैंकिंग चली नहीं, तो मैंने कोटक महिंद्रा बैंक उस पर कॉल करी टोल फ्री नंबर पे, तो वो नंबर उस टाइम लगा नहीं। उसके 15 मिनट बाद कॉल वापसी आई दूसरे नंबर से, उन्होंने कहा कि मैं बैंक कोटक महिंद्रा बैंक की कर्मचारी बोल रहा हूँ और बताइए आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। तो मैंने कहा फ़ोन बैंकिंग नहीं चल रही है, तो बोले ये क्विक सपोर्टर एक ऐप है वो डाउनलोड करिए, मैं एक लिंक भेज रहा हूँ। तो उन्होंने लिंक भेजा, मैंने वो डाउनलोड करा, इसलिए मैं फिर पैसे कट गए 50,000 रुपये। ये 23 तारीख की बात है, संडे के दिन मैंने विशारदन थाने में एक एप्लीकेशन लिखी थी, उन्होंने कहा कि हम ये बरेली साइबर थाना भेज देंगे। अगले दिन गया, फिर उन्होंने नहीं भेजी, फिर मैं 3 दिन से वहीं पर जाता गया। आज उन्होंने कहा कि वो एप्लीकेशन मिल नहीं रही है, फिर मैं यहाँ बरेली आया, तो अब यहाँ पर एप्लीकेशन SP क्राइम कोटक महिंद्रा बैंक दिल्ली में अकाउंट था मेरा। जी जी थाने गए थे अपने।